सब्सक्राइब करें रेहान विद लर्न इस चैनल को और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप रहें लेटेस्ट वीडियो से अपडेट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ऑनलाइन टैक्सी के ऊपर है कि लोग किस तरह ऑनलाइन टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं और अपने सफ़र को आसान बनाते हैं। दो ही मशहूर कंपनियां हैं जो इस वक्त ऑनलाइन टैक्सी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, एक का नाम है करीम और एक का नाम है अबर। तो करीम की हम बात करते हैं कि करीम में आप किस तरह सफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको एक सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप अपना नाम टाइप कर दें, आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दें और आप अपना ईमेल टाइप कर दें तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आपने उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद उसमें आपको लोकेशन की परमिशन को ओके कर देना है। उसके बाद आपको राइड करनी है। अगर आपको राइड करनी है तो आपको एक राइड बुक करना पड़ेगी। तो उसके बाद आपको लोकेशन जैसे ही परमिशन ओके करेंगे तो लोकेशन जहां पर आप होंगे वो लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। अब आपको जिस जगह जाना हो आपको उस जगह का नाम अपने ड्रॉप अप लोकेशन में ऐड कर देंगे और राइड नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो करीम की एप्लीकेशंस की जानिब से जो रिक्वेस्ट है आपके कैप्टन को भेज दी जाएगी। आपके करीब तरीन जो कैप्टन होगा उसको एक रिक्वेस्ट जाएगी जिसको वो एक्सेप्ट करेगा और आपकी जो लोकेशन है उसको फॉलो करते हुए आपके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद आप अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं करीम टैक्सी में। आप जैसे ही अपने सफ़र को मुकम्मल करेंगे तो एक बिल जनरेट होगा, एक मैसेज आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा आपके बिल का और आपके कैप्टन को भी भेज दिया जाएगा जिसको आप अदा करके अपनी राइड को मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो अबर की है, इसको भी इस्तेमाल करके आप अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं। इसमें भी जस्ट सिंपल आपको अबर की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगी एंड्रॉयड मोबाइल में। उसके बाद उसमें आप अकाउंट क्रिएट कर दें, आप अपना नाम नंबर और ईमेल दे देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर दें, उसमें आपको लोकेशन की परमिशन को ओके कर दें। उसके बाद आपको अगर सफ़र करना है तो जिस जगह आपको सफ़र करना है उस जगह का नाम आप ड्रॉप अप लोकेशन में सेव कर दें और राइड नाउ पर क्लिक कर दें। राइड नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अबर की जानिब से एक रिक्वेस्ट आपके ड्राइवर को भेज दी जाएगी। जो करीब तरीन ड्राइवर होगा उसको एक रिक्वेस्ट जाएगी जिसको वो एक्सेप्ट करेगा और आपके दी हुई लोकेशन को फॉलो करते हुए आपके पास आ जाएगा। इसके ज़रिए आप अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप जैसे ही अपने सफ़र का इख्तिताम करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा बिल का और आपके जो ड्राइवर है उसके पास भी एक मैसेज आएगा। वो बिल आपके मैसेज में सेंड कर दिया जाएगा। उस बिल आपके पास एक मैसेज आएगा, ये मैसेज ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। एक मैसेज आपके मोबाइल पर भी आएगा और आपका जो कैप्टन है उसके पास भी एक मैसेज आएगा। उसमें आपके बिल्स के बारे में तो डिटेल होगी। उस बिल को आप अपने कैप्टन को अदा कर दें और आप अपने सफ़र का इख्तिताम कर दें। तो इस तरह से आप ऑनलाइन टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ऑनलाइन टैक्सी का इस्तेमाल लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं और अपने सफ़र को आसान बना देते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।